नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दशम पिता की बाल रूप निशानियों का साक्षात गवाह है श्री पटना साहिब। किसी ने सच ही कहा है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। यह कहावत अजीम शख्सियत के मालिक एक महान योद्धा, कवि, संत, गुरु, दशम पिता, सरबंसदानी, कलगीधर, संत सिपाही, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह पर पूर्ण तौर से स्टिक बैठती है। दशम पिता की बाल रूप निशानियों का साक्षात गवाह पटना साहिब है, जहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरु तेग बहादुर व माता गुजरी जी के घर 26 दिसंबर दिन शनिवार 1666 को अवतरण हुआ। पटना के जिस घर में गुरु साहिब ने जन्म लिया, आज वह पावन स्थान तख्त श्री पटना साहिब के नाम से विख्यात है। गुरुद्वारा श्री पटना साहिब का इतिहास। गुरुद्वारा श्री पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थान के अलावा गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर की पवित्र यात्राओं से जुड़ा है। आनंदपुर साहिब जाने से पूर्व गुरु गोबिंद राय का बाल्यकाल यहीं व्यतीत हुआ। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। गुरुद्वारा श्री हरमंदिर जी पटना शहर बिहार में स्थित है। गुरु तेग बहादुर साहिब यहाँ पर बंगाल व असम की फेरी के दौरान आए। गुरु साहिब यहाँ पर सासाराम गया का भ्रमण करते हुए आए। गुरु साहिब के साथ उनकी धर्मपत्नी माता गुजरी जी के भाई कृपाल दास थे। अपने परिवार को यहाँ छोड़कर गुरु साहिब आगे चले गए। यह स्थान सलीस राय जौहरी का घर था। सलीस राय जौहरी गुरु नानक देव जी का भक्त था। गुरु नानक देव जी भी सलीस राय जौहरी के घर आए थे। जब गुरु नानक देव जी यहाँ पहुँचे तो देहरी लांग कर अंदर आए। यह स्थान अब भी मौजूद है। गुरु तेग बहादुर साहिब की असम फेरी दौरान गुरु गोबिंद राय ने जन्म लिया। गुरु नानक देव जी की वाणी से प्रभावित सलीस राय जौहरी ने अपने महल को धर्मशाला बनवा दिया था। भवन के इस हिस्से को मिलाकर इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। पटना में सुशोभित है गुरु साहिब की बाल रूप निशानियां। गुरु गोबिंद सिंह का मूल नाम गोविंद राय था। गुरु गोबिंद सिंह ने अन्याय के खिलाफ 1699 में खालसा पंथ का सृजन किया। पांच प्यारों के बाद उन्होंने छठे खालसा के रूप में अमृत छका। बाल गोविंद राय पटना में 6 साल की आयु तक रहे। बाल गोविंद राय के सोने के लिए एक छोटा मंजी नुमा पंघूड़ा गुरुद्वारा साहिब में सुशोभित है। कुछ बड़े होने पर बाल गोविंद राय को शस्त्रों से प्रेम हो गया। गोविंद सिंह को सैन्य जीवन के प्रति लगाव अपने दादा गुरु हरगोविंद राय के सानिध्य में मिला। वही महान बौद्धिक संपदा भी परिवार से विरासत में मिली। छोटी उम्र में ही शस्त्र धारण करना बाल गोविंद राय का शौक था। उनके इस शौक को देखते हुए गुरु परिवार के श्रद्धालु ने एक छोटा श्री साहिब भेंट किया। एक अन्य शस्त्र शिव प्रसाद जैता सेठ ने भेंट किया। बाल गुरु अपनी कमर के साथ बाघ नख वाला खंजर बांध कर रखते थे। यह खंजर आज भी गुरुद्वारा साहिब में दर्शनीय योग्य है। बाल गुरु जी जिस कुएं के पानी से नहाते, बालों को ठीक करते, पादुका प्रयोग करते, यह सारा पावन सामान आज भी गुरुद्वारा साहिब में मौजूद है। बाल गोविंद प्रतिदिन छोटा सा धनुष बनाकर लकड़ी के तीर और गुलेल बनाकर चलाते। घर के आंगन में मीठे जल का कुआं था, जहां पर बहुत से लोग पानी भरने आते थे। बाल गोविंद राय पानी भरकर आने वालों के घड़ों को गुलेल मारकर तोड़ देते थे। गागर में छेद होने की जब वह लोग माता गुजरी जी के पास शिकायत लेकर जाते, तो माता जी उनको अपनी ओर से नए घड़े, वस्त्र, नकदी देकर उनका गुस्सा दूर करती। बाल गोविंद राय की गुलेल की गोलियां, 4 तीर आज भी पटना साहिब गुरुद्वारा में सुशोभित हैं। पटना निवासी फतेह चंद मैनी क्षत्रिय गुरु तेग बहादुर साहिब का श्रद्धालु था। बालक गुरु गोविंद अक्सर उनके घर चले जाया करते थे। फतेह चंद की पत्नी बाल गोविंद को पूरी, दूध व भुने हुए चने खिलाया करती थी। बाल गोविंद कभी कभी सारा दिन ही उनके आंगन में खेलते रहते। यहाँ पर उन्होंने एक पौधा भी लगाया। बाल गोविंद राय का लगाया पौधा आज भी 12 महीने फल देता है। गुरु परिवार के पंजाब जाने की बात सुनकर उक्त परिवार बेहद दुखी हुआ और बेहोश होकर गिर गए। बाल गुरु ने अपने हाथों के साथ मुंह में केवड़ा डाला, तब उन्हें होश आया। बाल गोविंद राय ने उक्त परिवार को एक कटार, तलवार, पोशाक और जूती प्रदान की। उक्त परिवार ने अपने घर को, जहां बाल गुरु गोविंद खेलते थे, गुरुद्वारा बना दिया। गुरु साहिब की ओर से प्रदान चीजों को स्थापित कर दिया। पटना से निकलने के बाद गुरु परिवार दानापुर पहुंचा। यहां एक माता ने प्रेम के साथ हांडी में खिचड़ी बनाकर खिलाई। गुरु धाम संग्रह के पन्ना 134 में यह वर्णित है। इस महिला का मकान हांडी कारण गुरुद्वारा हांडी वाली संगत हो गया। उक्त पावन निशानियों के बारे में समूची जानकारी व चित्र हरप्रीत सिंह नाज ने हमें उपलब्ध करवाए हैं। सो दोस्तों, यह थी दशम पिता की बाल रूप निशानियों के बारे में जानकारी।
हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।